करने वाले हैं एक सीरीज, और इस सीरीज का नाम है यही सच है। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको ना तो कभी हमें किताबों में पढ़ाया जाता है और ना ही कभी इनके बारे में बताया जाता है। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको इतिहास में दबा दिया गया है और जिनको कभी भी बाहर नहीं निकाला गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, और इसको जानने के बाद में, इसका सच जानने के बाद में सच में आपको भी लगेगा कि सच में क्या यही सच है। सो हेलो एवरी वन, दिस इज़ सुनील शास्त्री एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फ्लोरा क्लासेस बाय सुनील शास्त्री। एंड विदाउट फर्दर डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत नाम कैसे मिला, ये जो लैंड, ये जो धरती भारत जिस पर हम रह रहे हैं, कि इसका जो नाम है भारत वो क्या ओरिजिनल नेम है या फिर इससे पहले भी इसका, इस लैंड का कुछ और नाम था। तो डिस्कस करेंगे आज की स्टोरी में यही बात कि भारत नाम कैसे मिला जिस धरती पर हम रह रहे हैं, द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ इंडिया, इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये भारत जिसमें हम रह रहे हैं इसका जो प्राचीन नाम था, सबसे ओल्डेस्ट जो नाम था वो था आर्यभट्ट। 1500 BC में आर्य जो थे वो इंडिया के अंदर आए, और आर्यों का जो साम्राज्य था वो कश्मीर से लेकर नॉर्थन राजस्थान और अफगानिस्तान से लेकर वेस्टर्न गंगा बैंक तक इनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। और इन्हीं आर्यों ने अपने नाम के ऊपर जो भारत है उसका नाम आर्यवर्त रखा। नॉर्थ एंड नॉर्थ इंडिया का जो क्षेत्र है वो बेसिकली आर्यवर्त कहलाता था। तो सबसे पुराना जो नाम था भारत का वो आर्यवर्त था। बात करेंगे सेकेंड ओल्डेस्ट नेम की, तो भारत का जो सेकेंड ओल्डेस्ट नेम है वो था भारत। कैसे हमको इसके बारे में पता चलता है, तो हमको पता चलता है दो सोर्सेज से। पहला जो सोर्स है जिसको हम कहते हैं महाभारत, एक महा जो हमारा एपिक है, उससे हमें इसको बारे में पता चलता है। दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भारत, उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष इसका नाम पड़ा था। दूसरा जो सोर्स है जैन माइथोलॉजी। जैन मान्यता क्या कहती है, जैन मान्यता ये कहती है कि महावीर जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर, उनके दो बेटे थे, जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था भरत और जो दूसरे बेटे थे उनका नाम था गोमतेश्वर। तो ऋषभदेव के बड़े बेटे भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा था। भारत का जो थर्ड नेम है इसका नाम है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा इसका, तो भारत के अंदर 518 BC के अंदर पर्सिया ने आक्रमण किया था, फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन हुआ था इंडिया के ऊपर, और जो कि किया था डेरियस फर्स्ट ने। डेरियस जो था वो अकामदी डायनेस्टी के राजा साइरस का बेटा था। फारस में बेसिकली साह का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसलिए वो लोग सिंधु को इंदु कहते थे, और सिंधु के पार जो लैंड थी उसको उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान, और यही मॉडिफाई होकर बाद में ये हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान वर्ड्स का सबसे पहला जो यूज़ था वो अरबियन ने किया था, और जो सिंधु के पार जो रहने वाले लोग थे वो बेसिकली इंदु बाद में मॉडिफाई होकर हिंदू कहलाए। इंडिया का चौथा नाम, भारत का चौथा नाम जो था वो इंडिया था। भारत के अंदर सेकेंड इन्वेजन हुआ ग्रीक्स का, यूनानियों का, जिसका नाम आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान बेसिकली उसका नाम था। 326 BC के अंदर अलेक्जेंडर का भारत के अंदर आक्रमण होता है। मकदूनिया का जो राजा था फिलिप का बेटा था सिकंदर, उसने 326 ईस्वी के अंदर भारत में आक्रमण किया। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा था, और यही जो इंडस है बाद में इंडिया बना, और इंडिया में जो रहने वाले जो लोग हैं वो इंडियन कहलाए। भारत का पांचवा नाम जम्बूद्वीप। सोर्स क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था, तो जब हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, अशोका के जो अभिलेख हैं अशोक के, उनके अभिलेखों से हमें पता चलता है कि भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। भारत का जो सिक्स नाम था वो था यंतु। कैसे पता चलता है, तो जो चीनी यात्री हमारे कंट्री में आए थे, हमारे भारत के अंदर आए थे, उन्होंने जो ट्रेवल्स की थी, उन्होंने जो यात्राएं की थी, उनसे पता चलता है। चाइनीज़ जो ट्रेवल्स थे उनकी यात्राओं के जो वृतांत थे उनसे पता चलता है कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भारत को यंतु कहा था। सेवन नेम गोल्डन स्पैरो,
हमको सबको पता है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था कभी, लेकिन इस भारत को सोने की चिड़िया आखिर कहा किसने सबसे पहले? तो अरबी और तुर्कों ने 8वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा था। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत के अंदर 7वीं सेंचुरी से लेकर 8वीं सेंचुरी के बीच में आक्रमण, विदेशी आक्रमण जो हैं वो होते रहे थे। अरबों ने आक्रमण किया था और अरबों ने ये देखा कि भारत के अंदर जो है वो खजाना भरपूर है, इसलिए अरबों ने और तुर्कों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था। एक नेम भारत का, लैंड ऑफ स्नेक चामर, सपेरों का देश कहा जाता है इसको, भारत को सपेरों का देश कहा जाता है। किसने कहा था? ब्रिटिशर्स ने कहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स मानते थे कि भारत कैसे हैं, अनपढ़ हैं और इनके पास नॉलेज की कमी है, इनके हाथ में सिर्फ क्या रहती है भैया, सांप की बीन रहती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सपेरों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, लैंड ऑफ बुद्धा बाय अदर एशियन कंट्रीज़, दूसरे अगर हम एशियन कंट्रीज़ का जगह हम इतिहास पढ़ते हैं, उनका लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो बुद्धा थे उनके अकॉर्डिंग इसको क्या कहा जाता था, लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता था, बुद्धा की भूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा ने कई सारे कंट्रीज़ में अपना जो धर्म था उसका प्रचार किया था और एक फेमस बेसिकली सेंट थे वो, और इसीलिए इसको लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है। टेंथ नेम ब्रह्मवर्त, मनुस्मृति कहती है कि भारत जो है वो सरस्वती और द्रष्टव्य रिवर के बीच की लैंड है, और सरस्वती और द्रष्टव्य रिवर के बीच की लैंड को बेसिकली क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्त कहा जाता था, ये मनुस्मृति कहती है। और हरियाणा का प्राचीन नाम भी क्या है, ब्रह्मवर्त है। इलेवेंथ की अगर हम बात करें, करेंट की अगर हम बात करें, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, देर आर टू नेम्स ऑफ इंडिया, भारत के दो नाम हैं, एक है हमारा भारत और दूसरा है हमारा इंडिया। तो आर्टिकल वन क्या कहता है, आर्टिकल वन कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वन कहता है कि भारत, डैट इज़ इंडिया, भारत जो कि भारत इंडिया है, शैल विल बी द स्टेट ऑफ द यूनियन, क्या होगा, स्टेट ऑफ यूनियन होगा। तो इस तरह से फाइनली आज अगर हम बात करें, जिस इंडिया में हम रह रहे हैं, तो जिस इंडिया का जो नाम भारत या फिर इंडिया कहा जाता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वन ये कहता है कि भारत, दैट इज़ इंडिया, भारत को ही इंडिया कहा जाता है। तो इसीलिए आज जो है वो दो नाम बेसिकली इंडिया के चलते हैं, एक भारत और एक इंडिया बेसिकली। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, यूजफुल रही होगी, और ऐसी ही कुछ फैक्ट्स, कुछ कहानियों के बारे में, और ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, हम लाते रहेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।